चीप रेट में कोई ऐसा ट्राइपॉड ला सकता है? जरूर ला सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, उसका आप खरीद सकते हो। सिर्फ प्राइस होगा 449। 449 में ऐसा एक फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पॉड अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा। ये 10 इंच का है और बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है और फ्लेक्सिबल भी। सो वेलकम टू सुमित द टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूं सुमित और मैं आज आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूं जो कि है 10 इंच का एक ट्राइपॉड। ये है बॉक्स, बॉक्स के अंदर है ट्राइपॉड और ये गोरिल्ला टाइप का ट्राइपॉड है। गोरिल्ला ट्राइपॉड ही है और ये बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड है, बेस्ट ट्राइपॉड है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखो और इसका रिव्यू भी दे दूंगा और कैसे सेटअप करोगे या फिर जो कुछ भी डिटेल्स आपको जानना है यहाँ पर जान जाओगी इस वीडियो में। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। और वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लो, मैं इस तरह का रोज़ाना कुछ ना कुछ वीडियो लाऊंगा, न्यूज़ हो या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर हर कोई लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स? Here it is. तो यहाँ पर मुझे मिला है एक गोरिल्ला पॉड। गोरिल्ला पॉड को साइड पे रखता हूँ और यह है एक मोबाइल का होल्डर जो कि मोबाइल होल्ड कर सकते हो। इसे मैं इसे भी देख दिखाऊंगा। तो प्राइस की बात करूँ जरा तो इसको काटना पड़ेगा। तो ये रहा बिल इसका, मुझसे लिया गया है 449। यहाँ मैं आपको बैलेंस दिखा दिया। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा गोरिल्ला पॉड है मुझे तो लग रहा है। तो इसके अंदर मुझे मिला और एक पैकेट, तो उस पैकेट को पहले तो अनरैप करता हूँ। अनबॉक्स तो हो ही चुका है। तो यहाँ है एक बेसिक मोबाइल होल्डर जो कि मेरे पास पहले से ही दो या तीन मेरे पास था, तो ये और एक मिल गया है। तो फिलहाल के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना कलेक्शन तो हो जाएगा ना, तो इसमें मोबाइल अटैच कर पाओगे। तो ये है मेन चीज़ आज का जो है। वाओ, ये और एक पैकेट भी मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से रैप किया गया है। थैंक यू अमेज़न ऑर्डर। ये गोरिल्ला पॉड मुझे तो देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। तो ये रहा गोरिल्ला पॉड, 10 इंच का गोरिल्ला पॉड है और काफ़ी हद तक बड़ा है और व्लॉगिंग वगैरह इस तरह से कर सकते हो। तो मैं दिखाऊंगा कि इसे माउंट करना कैसा है, कैसे आप माउंट कर सकते हो। ये देखो नज़दीक से, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके पीछे जो कुछ भी है कुछ इस टाइप का दिख रहा है और सामने जो दिया गया है एक पॉइंट रबर शू टाइप, जो कैमरा या फिर मोबाइल होल्डर जो मैंने दिखाया था उसको माउंट कर सकते हो। और ये कुछ फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड स्टैंड है, आप जिस तरह से चाहो मोड़ सकते हो। बहुत ही बिल्ड क्वालिटी मुझे बेस्ट लगा, बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर नया है, एकदम से नया है। इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे जस्ट चेक करना होता है कि यहाँ पर जो भी रबर शूज़ दिया गया है ये ठीक तरीके से है कि नहीं, जो ग्रिप कर पाए, जो भी ज़मीन पे रखूँ या फिर टेबल पे अच्छे से ग्रिप करने के लिए ये रबर शू दिया गया है। मुझे लगता है कि ये ट्रिपॉड, ये गोरिल्ला पॉड जो है बहुत ही चीप क्वालिटी से तो नहीं बनाया गया है। बिल्ड क्वालिटी मुझे 100% अच्छा लगा। और इसका जो रबर शू है किस कैसे आप रिलीज कर सकते हो, देखो इसको दबाओगे, यानी इसको क्लिप टाइप का फंक्शन दिया गया है, इसको दबाओगे और इसको ड्रैग करोगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए या फिर आप नाइफ या फिर की से भी मेंटेन कर सकते हो इसे, जैसे कि मैं करूँगा अभी। बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है और मैं व्लॉगिंग वगैरह कर सकता हूँ इससे, मोबाइल या फिर कैमरा भी रख सकता हूँ, कैमरा भी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का दिया गया है और इसको सिर्फ आपको ये बटन फिर से दबाना पड़ेगा और इसको सिर्फ स्लाइड करना पड़ेगा, ऐसे एक साउंड होगा, बस ये हो गया है काम। तो आप इसको इस तरह से मोड़ भी सकते हो जिस तरह से मैं मोड़ रहा हूँ, ऐसे लेकर ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो, इस तरह से ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। और आपको बहुत ही शानदार का एक ट्राइपॉड मिल रहा है सिर्फ 450 रुपये के अंदर है। तो इसको मैं ट्राइपॉड
के अंदर मोबाइल डाल दिया है, और इस तरह से मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर सकता हूँ मोबाइल के ज़रिए से या फिर कैमरे के ज़रिए से। यहाँ पर जो इस तरह से कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का जगह ज़्यादा मिल जाता है, आपने अगर इसको लॉक करना चाहते हो यानी स्लाइड नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे या फिर उल्टा घुमा के कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये जैसे कि स्लाइड नहीं, उल्टा नहीं, इस तरह से घुमा के रखना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये ऊंची वाली जगह, साइड को देखो ध्यान से, ऊंचा वाला जगह ये ब्लॉक कर सके, ये अनलॉक हो जाएगा और इजीली स्लाइड हो जाएगा। तो इस तरीके का फंक्शन के साथ ये बहुत ही बेहतर एक ट्राइपॉड है, गोरिल्ला ट्राइपॉड स्पेशली, और यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही शानदार ट्राइपॉड ये है। मैं कहूँगा कि ये ट्राइपॉड आप ज़रूर अपने लिए या फिर अपने चैनल के लिए खरीद सकते हो, और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हो गया है, अब इस पॉइंट को घुमाते हुए लॉक कर दो, ये लॉक भी हो गया है। इस तरह से DSLR या फिर कोई भी कैमरा ये इजीली माउंट कर सकता है। इसका लेग्स भी फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसे इजीली हाथों से फ्लेक्सिबल, जो कि ये फ्लेक्सिबल है उसकी तरह आप फ्लेक्सिबल का फायदा भी उठा सकते हो, जहां कहीं भी रख सकते हो। और DSLR या फिर ज़्यादा भारी कैमरा जो कि वेट ज़्यादा है, इजीली हैंडल कर पाता है, कोई भी मुश्किल नहीं आता या फिर प्रॉब्लम भी नहीं आता। और जैसे कि देख रहे हो, मैं इसे साइज कर रहा हूँ जैसे चाहता हूँ, और यहाँ पर मैंने कैमरे को ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, तो ये इस तरह से इजीली फिक्स कर सकते हो। तो ये जो शॉट्स है, इसके लिए सॉरी, जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इजीली कैरी कर पाता है कोई भी DSLR को, ज़्यादा भारी होगा तो मुश्किल आ जाएगा, पर ये फ़िलहाल के लिए जो 1 लाख के अंदर जो भी DSLR आता है उसको इजीली कैरी कर पाता है विथ लेंस। और मैंने टेस्ट किया है, इसका जो रबर ग्रिप दिया गया है आप लोगों को दिख रहा है, वाइट कलर का रबर ग्रिप, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर प्लास्टिक के बनावट है, जो बॉल्स टाइप डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी से अच्छा है और फ्लेक्सिबल भी है। तो प्लास्टिक के साइड में आपको दिख रहा है जो रबर का बना हुआ जो ग्रिप दिया गया है, और यहाँ पर कैमरे को माउंट करते हुए दिखा रहा हूँ। हर ट्राइपॉड की लेंथ जो है 10 इंच का है, ये 10 इंच का ट्राइपॉड है, और ये कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पर तीनों लेग्स जैसे कि आसानी से फ्लेक्सिबल होने के कारण जहाँ कहीं भी रख सकते हो, जहाँ कोई भी तरह आप रख सकते हो, टेबल पर या फिर किसी पेपर या फिर पाइप पर भी माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एंड में जो कैप दिया गया है, रबर कैप, वो पूरी तरह से रबर का बना हुआ है, जो कि बना हुआ है साइड में जो रिंग देख रहे हो, बॉल्स के रिंग, वो रिंग भी रबर का बना हुआ है ग्रिप के लिए, ताकि आपका जो ग्रिप बहुत ही आसान हो सके और बहुत ही सख्त से सख्त ग्रिप हो सके। इसका ग्रिप देख रहे हो टेबल पर रखा हुआ है, फिसलता नहीं, क्योंकि रबर का बनाया गया ग्रिप का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। पर एक चीज़ मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में आएगा तो कलर में कुछ खामियां रह जाएगा, यानी वाइट कलर का रबर जो धूल मिट्टी ज़्यादा लगता है तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, यानी डार्क टाइप हो जाता है, गंदे हो जाता है। तो इसके लिए ये एक प्रॉब्लम दिखाई दिया, और कुछ इशू नहीं है। इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ग्रिप जो दिया गया है पूरी तरीके से रबर का बना हुआ है, प्लास्टिक के ऊपर जो दिया गया है आप लोग देख सकते हो नज़दीक से। तो यहाँ पर इस तरह से कैमरे को आसानी से कैसे माउंट कर रहा है ये छोटा सा 10 इंच का ट्राइपॉड। आप इसे ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर जो माउंट का प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा है, देखो आप जब इस तरह से रखोगे इस तरह से, तो ये अनलॉक हो जाता है, इसको स्विच को दबाने पर ही ये आसानी से बाहर आ जाएगा। और
इस रिंग को घुमाने के बाद ये लॉक हो जाता है, स्विच लॉक हो जाता है, स्विच आसानी से नहीं दबता, तो ये स्लाइड भी नहीं हो सकता, कैमरा बाहर नहीं निकल सकते कोई कैमरा या फिर मोबाइल को। तो ये इसका लॉक सिस्टम है और इसका बनावट जो दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि देखकर कि इस प्राइस रेंज में ऐसा ट्राइपॉड या फिर गोरिल्ला पॉड मिलना तो मुमकिन नहीं था, पर मुझे मिला और आप लोगों को भी मिलेगा ज़रूर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज़रूर खरीद सकते हो इस तरह का ट्राईपॉड। और ये ब्लैक कलर का एंड वाइट कलर का रबर ग्रिप के साथ बहुत ही शानदार भी दिखता है। आप अगर पर्सनली कहीं पर ट्रैवल पे जाते हो आपका कैमरा लेकर, पॉइंट शूट या फिर DSLR या फिर कोई भी मिररलेस कैमरा भी ले जाओ, या फिर मोबाइल के साथ भी व्लॉगिंग करो, एंजॉय करो आपके फोटोग्राफी को और एंटरटेन करो ये गोरिल्ला पॉड के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी से बनाया गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर एक बॉल दिया गया है, वो भी मूवेबल है और उसके साथ तीनों बॉल्स कनेक्टेड है, जहाँ पर आपको तीनों लेग्स दिखाई देगा वो भी इस बॉल्स टाइप का जो कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक का बनावट है, यहाँ तीनों लेग्स जहाँ पर अटैच है आप देख पा रहे हो कितना दूर दूर से फैला हुआ है, पर फिर भी ये नहीं हिल रहा है। ये कैमरा करीब बैटरी को लेकर, बैटरी है इस कैमरे के अंदर, ये काफ़ी हद तक 500 ग्राम के आसपास ही है, 450 ग्राम्स तक, और ये आसानी से माउंट भी कर लेता है। मेरा ये एडवांस पॉइंट शूट कैमरा है जो कि साइड में रखा गया है, और ये है मेन ट्राइपॉड जो कि गोरिल्ला पॉड के बारे में मैं कह रहा हूँ। ऊपर एक स्लाइड बटन और रबर शू के साथ जो स्क्रू दिया गया है वो आप इजिली स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर सकते हो और इजिली माउंट कर सकते हो अपने मोबाइल कैमरा या फिर कोई भी माइक को भी या फिर लाइट को भी माउंट कर सकते हो, अगर उसमें इस तरह का स्क्रू सेटअप है जैसे कि कैमरे के पीछे में होता है, यानी बटम साइड में जो होल मिलता है उसमें आपको स्क्रू फिट करना होता है कि ट्राइपॉड का। तो यहाँ पर स्विच दिया गया है, इसका जो फंक्शन आप लोग देख ही चुके होंगे, फिर से एक बार अगर देखना है तो वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह सा दिखता है। तो यहाँ पर आप अनलॉक करने के बाद आप लॉक कर दो तो ये रिलीज प्लेट रिलीज नहीं हो पाएगा, जैसे कि अब नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिलीज करने के लिए क्योंकि ये लॉक है। तो अब मैंने इसे घुमा दिया रिंग को और ये आसानी से स्लाइड हो रहा है क्योंकि ये अनलॉक हो चुका है। और जब एंटर करने वाले हो वो कैसे होगा, तो देखो मैंने इसे अनलॉक से लॉक कर दिया और ये एंटर नहीं हो पा रहा है। ये एंटर नहीं हो पा रहा है, इसे रिंग को फिर से अनलॉक किया उसके बाद ये इजीली एंटर हो पा रहा है, यानी आपका कैमरा गिरने वाला नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ लगा कि इसमें लॉक सिस्टम इतना हाई क्वालिटी का दिया गया है। और आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताना, आप लोग भी पसंद करते हो इस तरह का ट्राइपॉड या नहीं। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो रोड का माइक है उसे माउंट कर लिया है, कुछ इस तरह सा दिखता है, कितना शानदार तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना माइक। और जैसे कि मैं करता हूँ एक बड़ा सा ट्राइपॉड में तो वैसा करना नहीं पड़ता, अब मैं इजीली इस छोटे से गोरिल्ला पॉड के मदद से मेरा जो माइक है उसको इजीली माउंट कर सकता हूँ इस तरह से, बहुत ही आसान है और बहुत ही लाइट वेट है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। और ये है मेरा गोरिल्ला पॉड और इसमें माउंट है मेरा रोड का वीडियो माइक गो, और ये कैमरा भी है। और रोड का माइक काफ़ी आसानी से हैंडल कर पा रहा है, बहुत ही हल्का है, आपको पता ही होगा इसका रिव्यू वगैरह मैंने दिया था, और अगर ना पता हो तो पिछले वाले वीडियोस को चेक करो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना फ्लेक्सिबल तरीके से यहाँ पर रखा गया है, मैं कहीं पर कोई भी पाइप या फिर कोई खिड़की में भी माउंट कर सकता हूँ या फिर माउंट कर सकता हूँ, मेरा जो DSLR कैमरा वो भी आसानी से माउंट कर लेता है, 10 इंच का है, अगर इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लोगे तो भी चल जाएगा, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये रहा इस गोरिल्ला पॉड का स्पेसिफिकेशन और ये कितना आसानी से रबर शूट के अंदर
सख्त से सख्त माउंट कर रहा है और यहाँ पर कभी भी हिलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने मोबाइल होल्डर को माउंट कर दिया है, मोबाइल भी रखने वाला हूँ यहाँ पर, आसानी से मोबाइल भी फिट हो जाता है यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। और यहाँ पर जो देख रहे हो ऐसे ही माउंट किया जाता है इसको। मैं पूरा का पूरा डिटेल्स कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि ये रिव्यू हो रहा है इसका। और ये मोबाइल को होल्ड कर सकता है कि नहीं आपको पता ही होगा, मैंने होल्ड करके दिखा दिया है। और ये रहा मेरा मोबाइल और इसे मैं होल्ड करूँगा कुछ इस तरह से, हो गया है होल्ड। आहा, तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना और लाइक कर सकते हो। मैंने जितना हो सके आप लोगों के लिए जितना इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही बकबक कर चुका हूँ पर उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंड होप आपको ये ट्राइपॉड अच्छा लगे और ख़रीद भी लोगे हो। गुड बाय, होप आपको ये अनबॉक्सिंग वाला वीडियो या फिर रिव्यू वाला वीडियो जो भी मैंने टेस्टिंग किया वो सब अच्छा लगा हो, और अच्छा भी ना लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, और कोई सुझाव वगैरह देना हो तो ज़रूर दो। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और ज़रूर एक बात का याद रखना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, मैं इस तरह से वीडियो नया नया वीडियो रोजाना लाने की कोशिश करूँगा, लाता भी रहूँगा। तो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोजाना नया टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। बेल आइकन को हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। गुड बाय एंड जय हिंद।